नमस्कार दोस्तों, अभी अप्रैल के अंदर 18-19-20 को 18-19-20 अप्रैल 2014 में हमने नया सेशन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का शुरू किया चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में क्लासेस एज शेड्यूल्ड मोहाली में अनु भूटानी जी के लेबोरेटरी में लगती है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर में एक बढ़िया सा हॉल है। तो इस बार 18-19-20 ये 3 दिन हमने क्लासेस लगाई हैं और इस क्लासेस में करीब 10 लोग हैं जिन्होंने नाड़ी ज्योतिष सीखा है। और सुरेंद्र जी आपके सामने हैं, सुरेंद्र जी कांगड़ा से आए हैं और 2-4 बार पहले भी इन्होंने कोशिश की थी, आपने बताया था मुझे, लेकिन अटेंड नहीं कर पाए। तो अब नाड़ी ज्योतिष की इन्होंने 3 क्लासेस अटेंड की है, बाकी जो 3 क्लासेस 3 दिन जो होंगी वो आगे मई में हम करेंगे। तो सुरेंद्र जी, मेरे बारे में आपको कैसे कहाँ से पता चला और आप नाड़ी ज्योतिष क्यों सीखने आए हैं ये आप बताएँ प्लीज़। सर नमस्कार, गुरु जी को नमस्कार। मैं हिमाचल प्रदेश कांगड़ा से आया हूँ, सुरेंद्र कुमार पप्पू। बहुत बार कोशिश रहती थी कि कोई सटीक फलादेश का कोई माध्यम मिले, बहुत बार हम इधर उधर टकने मार चुके और फिर यूट्यूब में मैंने उमंग तनेजा जी को नाड़ी एस्ट्रो के बारे में प्रोटेक्ट करते देखा और वहाँ से मेरे को पता चला कि ये एक कंप्लीट माध्यम है एस्ट्रो के बारे में। फिर मैंने बहुत बार ट्राई की तो दूर होने की वजह से नहीं आ सका। अब मैं आ करके जहाँ क्लास अटेंड की है मोहाली में, और जिसमें मैंने पाया है कि एक नाड़ी एस्ट्रो ही है जो कि सटीकता दे सकती है, पिन पॉइंट दे सकती है, किसी फल पे पहुंच सकती है, तो ये मेरा मानना है। अभी तक आपने ज्योतिष कितना समय से कर रहे हैं? सर मैं पिछले 20 साल से ज्योतिष के माध्यम से लोगों की हेल्प कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा मानना ये है कि मेरे को ज्योतिष तकरीबन 94 से गॉड गिफ्टेड है और बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जितना लोग 2-4 साल में पढ़ते हैं उतना मेरे को रातों रात ज्योतिष का ज्ञान हुआ। महादशा, वसोत्री दशा, डिग्रियाँ, डुगरियाँ, जिन जितना भी प्रोग्राम है तो उससे मेरा जिसको जो बताया वो थोड़ा बहुत चलता रहा। पैसा मैंने आज तक किसी से नहीं लिया क्योंकि मेरा गुरु कोई नहीं था, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था, तो इसलिए मैं सेवा करता रहा। तो अब मेरे को ऐसा लगा कि जब सेवा करनी है तो सेवा का कंप्लीट होना चाहिए। तो बहुत बार हम लोग फंस जाते थे, कोई रिजल्ट नहीं मिलते थे, इसकी वजह से मैं बहुत बार इधर उधर घूमने के बाद मेरे को पता चला कि उमंग तनेजा जी जो कि दिल्ली में रहते हैं, तो कभी कभी मैं साथ बैठूँ आपके, हाँ जी, कभी कभी चंडीगढ़ में आते हैं। फिर मैंने इनसे कॉन्टैक्ट किया और फिर आज मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ। तो अभी आपको कैसा लगा है 3 दिन क्लासेस के बारे में बताया? मतलब क्लासेस में आपको, तो क्लासेस में हमने देखा कि सर का पढ़ाने का बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत शॉर्टकट फार्मूले हैं जो कि आप सीखने के बाद किसी भी फलादेश पे पहुंच सकते हैं और किस तरह की दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया कम्युनिकेट है, बहुत बढ़िया रूम है, बहुत बढ़िया हमें फैमिली मिली, अपने कुलीग मिले, जिससे कि बहुत आनंद आया। अब 3 दिन का हमने किया है, 3 दिन आप यहाँ आनंद लेने आए भाई? सर जब आनंद नहीं आएगा तो कोई चीज़ आप सीख नहीं सकते, कोई भी आनंद के बिना कोई भी चीज़ दिमाग में इंजेक्ट नहीं हो सकती। चाहे जब आप किसी में थोपेंगे कोई चीज, रट्टा मारेंगे तो बाहर जाकर डिलीट हो जाएगी। तो आप जब आनंद को साथ में रखते हैं, जब तक आपको पीस और आनंद नहीं आएगा किसी काम में, वो आप में संचित कर्मा नहीं बन सकती। संचित कर्मा बनने के लिए आनंद की प्राप्ति चाहिए, जब तक आनंद नहीं है तो संचित नहीं है। तो मतलब ये 3 दिन आपने जो पढ़ा है इसके अंदर बड़ा बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मैं ये दावा करता हूँ कि जितने सब सीखने वाले आए हैं शायद मेरे से ज्यादा किसी को नहीं आया। मेरा मानना है कि मैं सबसे उत्तम हूँ, मैं अपने को कभी डिनाई करके नहीं चलता। नहीं, बहुत बढ़िया, सभी उत्तम है। नहीं, मेरा मानना है मैं पॉजिटिव थिंग्स लेके चलता हूँ हमेशा। मैं पंजाब गवर्नमेंट का 10वीं पास व्यक्ति हूँ। 1983 में मैंने मैट्रिक की, जबकि मेरे को ही इंग्लिश में सुरेंद्र कुमार लिखना नहीं आता था। समय ने, परिस्थितियों ने सब कुछ सिखा दिया, आज मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। बहुत सारी दुनिया मेरे से पत्नी दिखाती है, विश्वास करती है, ईश्वर की कृपा है, इधर गुरुओं की कृपा है, आज और बेहतर हालात बनेंगे।
यहाँ आने से पहले बहुत सारे दिन जा करके काटे है की कब मेरे को नंबर मिल जाए और कब मेरा परिस्थिति बन जाए, मेरा हालात ऐसा बन जाए, क्योंकि मैं बहुत बिजी मैन हूँ, मैं करता कुछ नहीं हाथ से, जो आपने बताया था फैजिकल में कुछ नहीं करता भाई, अपने अड्डे पे उस इलाके में घूमता हूँ बस, आ जाते हैं पैसे, आ जाते हैं अपने आप, करता नहीं। जब तक मैं अपने स्टेशन पे रहता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आती, चाहे मैं 6 मिनट तक बैठा रहूँ बिल्कुल पीस चलता है, जिस दिन मैं बाहर निकला पीछे से फोन आ जाता, मैं पहुँचता नहीं प्रॉब्लम का फोन आ जाता है, तो इसलिए मेरे के लिए आना मुश्किल था। मैंने एक हफ्ता तक पूरी तरह सोया नहीं, गाड़ी नहीं पहुंची, रेता नहीं आई, मजदूर नहीं, वहां भाभी जी का फोन आया, नहीं भाभियों की, अब भाभियों से दूर, भाभियों की ससुराल तो समझ में आ गई मुझे, मायका का है सर, मैं वास्तव में डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पठानकोट का रहने वाला हूँ। पिताजी मेरे 84 किलोमीटर दूर कांगड़ा में सेटल हो गए, उसकी वजह से मैं वहाँ पर पिछले 30 साल से सेटल हूँ। डैडी 40 साल से, ठंडी और बढ़िया जगह, बहुत मतलब पंजाबी टच है, और एकदम ना गर्मी ना सर्दी, जब मर्जी कोट पहनो जब मर्जी टी शर्ट पहनो, इक्वल मौसम है। और जहाँ मैंने घर बनाया है शायद ऐसा किसी के पास घर हो, क्योंकि मैं वन ऑफ दी मैन, ब्यूटीफुल एरिया और बहुत हाइट पे कॉर्नर पे, और मैं इसका सर मोस्ट वेलकम, सब लोग आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। जहाँ आज हम मैडम जी को मिलेंगे तो वो भी वहाँ से होके वापस आए, तो इसलिए कोई भी आ सकता, मोस्ट वेलकम, बहुत बढ़िया प्लेस है, मैं दावा करता हूँ शायद किसी के पास इतना बड़ी, छोटा सा घर है क्योंकि हिम गुड्डा का प्लाट है, छोटा है, लेकिन मैं लोगों को घर बना के देता हूँ, ठेकेदार हूँ, तो मेरे पास ये आर्ट है, तो आपको मैं ये दिखाऊंगा कि छोटी जगह में आर्ट को कैसे पेश किया जाता है। एस्टोव एक आर्ट है, घर बनाना एक आर्ट है, वास्तु एक आर्ट है, हर एक आर्ट है, हर चीज का आर्ट को कैसे पेश किया जाता है। ऐसी बात है, जैसे कांगड़ा जैसी जगह है तो ब्यूटीफुल, तो हाँ जी, पर आपका वहाँ पर घर है तो धन्यवाद 6-7-8 को फिर मिल रहे हैं, 6-7-8 बड़ी कृपा, ठीक है, आगे फिर और बाकी जो चैप्टर सर वो कंप्लीट कर, बिल्कुल।